हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपिका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल दीपिका मेडिटेशन पावर में। आशा करती हूँ आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। मेरे आज के वीडियो का विषय है व्हाट इज़ अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। मेरा वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये गुजारिश करूँगी कि यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो काइंडली उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और न्यू वीडियोस के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। व्हाट इज़ अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट? पर्सनालिटी या व्यक्तित्व शब्द हम सभी जानते हैं फ्रेंड्स। इस वर्ड का यूज़ हम किसी भी व्यक्ति के गुण या एट्रीब्यूट्स के रूप में करते हैं। अक्सर हम किसी भी व्यक्ति के बारे में सुनते हैं या कहते हैं कि वाह क्या पर्सनालिटी है, या उस व्यक्ति की पर्सनालिटी बहुत ही अच्छी है। परंतु क्या सही मायने में हम इस वर्ड का मीनिंग समझ पाए हैं? अक्सर हम किसी की पर्सनालिटी को इस पर मापते हैं कि वह कितना सुंदर दिखता है, या वह कितना आकर्षक यानी अट्रैक्टिव दिखता है। परंतु क्या यह सही परिभाषा है? तो आइए फ्रेंड्स इस पर कुछ डिस्कस करते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इसका मीनिंग यह है कि पर्सनालिटी सिर्फ शारीरिक गुणों से नहीं बल्कि विचारों और व्यवहार से भी मिलकर बनती है, जो हमारे बिहेवियर और समाज, हमारी सोसाइटी में हमारे एडजस्टमेंट को निर्धारित करती है। कोई भी व्यक्ति जन्म से अच्छी पर्सनालिटी के साथ नहीं आता, बल्कि हर व्यक्ति को अपने इन गुणों का विकास करना पड़ता है। ऐसे गुणों को जो दूसरों को प्रभावित करे और खुद को डेवलप करने में मदद करे। हर व्यक्ति की अपनी पर्सनालिटी होती है, वहीं हर इंसान की पहचान है। हर इंसान अपने नेचर में, अपने बिहेवियर में और अपने संस्कारों में अलग होता है। पर्सनालिटी के विकास में बहुत सारी खूबियां छुपी हुई होती हैं, जिन्हें सुधार लेने से हम कई असफलताओं को सफलताओं में बदल सकते हैं। अक्सर हमारे टीनेजर अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं कि वह बहुत सुंदर है या उसकी हाइट बहुत अच्छी है। ऐसा करके वे खुद को दूसरों से कम आंकने लगते हैं और उनके मन में एक नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं खुद के लिए, और वह इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार भी हो जाते हैं। परंतु आपको अपने गुणों को पहचानना होगा, अपने एडवांटेजेस को पहचानना होगा। पर्सनालिटी को सिर्फ सुंदरता यानी ब्यूटी से मापा नहीं जा सकता। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने सही गुणों को पहचाना और दुनिया में अपनी अलग छाप छोड़ी। पीटी उषा, गांधी जी, मार्टिन लूथर। पीटी उषा ने बहुत से मेडल देश के लिए जीते, उन्हें उड़न परी कहा जाता है। मार्टिन लूथर, जो कि एक अमेरिकन
बैपिस्ट मिनिस्टर थे जो कि बहुत ही अच्छे स्पोक पर्सन थे, लीडर थे। उन्होंने सिविल राइट्स के लिए बहुत सी कार्य किए। वे गांधी जी के नॉन वायलेंट एक्टिविज्म से इंस्पायर थे और गांधी जी की भूमिका को तो हम सब भली भांति जानते हैं। तो हमें अपनी पर्सनालिटी को ब्यूटी से नहीं मापना है, हमें सामने वाले की पर्सनालिटी को भांपते हुए रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति इस दुनिया में यूनिक है। हमें हर प्रकार के व्यक्तित्व की, पर्सनालिटी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने का निरंतर प्रयास करना चाहिए, क्योंकि पर्सनालिटी इज टू ह्यूमन एज फ्रेग्रेंस इज टू फ्लावर। मतलब व्यक्तित्व मनुष्य के लिए है क्योंकि खुशबू फूल के लिए है। आशा करती हूँ फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। कीप स्माइल, स्टे फिट। थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।